यार मैं जामिया जब आया था तब सबसे पहले जो क्लास हमारी हुई थी इसी बिल्डिंग में हुई थी। मुंशी प्रेमचंद ने नवंबर में जो लिखा था, क्या लिखा था जामिया के बारे में, वो आप देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है, दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया। हेलो एवरीवन, दिस इज राशिद कमाल। गाइज वेलकम टू माय चैनल, और होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज ये गालिब चचा को देख के आप समझ गए होंगे कि अभी जामिया में हूँ और मैं जामिया के मेन कैंपस में हूँ। देखो ठीक है, ये गेट है मेन कैंपस का और मैं एकदम ठीक गालिब चचा जो है, गालिब लॉन जो है उसी में खड़ा हूँ। और मैं आज आप लोगों को ये जामिया का जो मेन कैंपस है उसका नज़ारा दिखाऊंगा और जितने डिपार्टमेंट्स हैं उन सब डिपार्टमेंट्स के बिल्डिंग्स जो हैं उन सबको दिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलो आज आप शुरू करते हैं। तो गाइस जैसे जामिया का अंदर एंट्री करोगे मेन कैंपस के, तो तुमको ये गालिब चचा का ये जो स्टैचू है वो दिखाई देगा। और इसके जस्ट जो पीछे है वो है पॉलिटिकल साइंस का डिपार्टमेंट, ठीक है। इसके गुलिस्तानी गालिब कहते हैं इसको, ठीक है। और इसमें पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये जस्ट सामने वाले जो जामिया के होंगे उन्हें पता ही होगा। और हमारे साथ है अहमद भाई, हमारे दोस्त हैं ये, ठीक है। तो आज हम लोग दोनों साथ में मिलकर एक्सप्लोर कर रहे हैं जामिया को, ठीक है। और इसके जस्ट सामने जो देखोगे, ठीक है, गालिब जो लॉन है उसके जस्ट सामने जो सोशल वर्क डिपार्टमेंट है और प्लस में अपना NCC का बिल्डिंग भी है, देख रहे हो, वो दिखाई दे देगा तुमको। तो गाइज ये है अहमद भाई का डिपार्टमेंट जो है सोशल वर्क, ठीक है। और इधर NCC का देख रहे हो, NCC का है। और इसके जस्ट बगल में जो है सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट है यहाँ पे। तो क्लोज चलते हैं और दिखाते हैं तुमको और भी। और इधर सेंट्रल कैंटीन का जाने का रास्ता है, जो जामिया वाले हैं उन्हें पता ही होगा, ठीक है। तो गाइज ये देखा, देखो यहाँ पे जो देख सकते हो यहाँ पे जितने डिपार्टमेंट्स हैं किसके किधर रास्ते गए यहाँ पे, देखे। और ये है सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है गाइज। तो ये सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट समाजशास्त्र का डिपार्टमेंट है, ठीक है। अभी तो सब क्लोज है। तो गाइज इसी जो सोशियोलॉजी वाले डिपार्टमेंट है उसी में है ये साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट है, इसी के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। और इधर डीन ऑफिस है और टीचर नेचुरल साइंस है, सोशल साइंस है और टीचर एसोसिएशन इसी के अंदर है, ठीक है। तो ये और ये पीछे पीछे से मैं दिखा दूँ आप लोगों को, ये है MHW का डिपार्टमेंट, ठीक है। और ये है सेंट्रल कैंटीन के सामने हम लोग आ गए। तो गाइज ये है सेंट्रल कैंटीन हमारा, अभी फ़िलहाल बंद चल रहा है, ठीक है। लॉकडाउन का इफेक्ट इस पर पूरा दिख रहा है और ये सन्नाटा, कुछ ही बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। नहीं तो आम दिनों में काफ़ी यहाँ पे भीड़ रहता है, यही मेन जगह है, ठीक है। मेन कैंपस का जो एरिया है जहाँ पे सब लोग बैठते हैं यही वो जगह है। तो गाइज ये है जामिया का जो सेंट्रल कैंटीन है, आपने सुना होगा। अच्छा जामिया वाले हो गए उनके तो पता ही है। तो ये है सेंट्रल कैंटीन है, ऊपर से गर्ल्स कॉमन रूम है ऊपर, देख लो वहाँ पे। और ये जो एरिया है हमेशा भरा रहता है, ठीक है। अभी देखो कॉलेज खुली नहीं है हल्की फुल्की, लेकिन फिर भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन ये एरिया जो है हमेशा भरा रहता है, लॉकडाउन का इफेक्ट कहो और बच्चे अभी हैं नहीं, इस वजह से पूरा खाली है। तो गाइस हम और अहमद भाई आज दोनों जो है पूरा जामिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि पूरा खाली चल रहा, सन्नाटा चल रहा पूरा जामिया। और अहमद भाई हमको जामिया ही मिल गए। अहमद भाई कुछ कहोगे क्या, कुछ यादें बता दो हमें। जामिया से बहुत लंबी यादें हैं हमारी। हम यहाँ से ग्रेजुएशन भी किए हैं, मास्टर्स भी कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और जामिया मतलब मेरी एक ज़िंदगी है। जामिया को हम जिंदगी से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि हमने 5 साल जो वैल्यूएबल है वो जामिया को दिया है। और मैंने यहाँ से बहुत चीज़ सीखा है, कैसे मतलब ज़िंदगी के तौर तरीके हैं, कैसे जीना चाहिए, सब जामिया ने मुझे सिखाया। तो गाइज बात ऐसी है यार कि तुम जामिया में एक बार दाखिला ले लो, ठीक है, एडमिशन ले लो, तो तुम जामिया को भूल नहीं सकते हो, ठीक है। तुम्हारा घर तो अपना है ही, और जामिया जो तुम्हारा एक अलग, जामिया आपका दूसरा घर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वॉल डेमोक्रेसी वाला, ठीक है, दिखाता हूँ। तो गाइज ये है डेमोक्रेसी वाल, ठीक है। अहमद भाई बताना है क्या है ये वाल। बेसिकली जो है जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट चल रहा था, तो ये वाल का हमारे जो मेन कार्यकर्ता थे उसने इस वाल का निर्माण रखा और वाल को कंप्लीट किया। और यहाँ पे मतलब हर किसी को मतलब ये अधिकार दिया गया कि आप इस वाल से मतलब जुड़े क्या कहते हैं यादों को
अपने सिग्नेचर से ये कर सकते हैं और डेमोक्रेसी का क्या वैल्यू है उसको बता सकें। तो गाइज इस पे है, मतलब देखो सबका साइन किया हुआ, देख लो सब लोग साइन किए थे, हमने भी इस पे साइन किया था। तो इसका वैल्यू है ये है कि तुम जो CNR से जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें लोग सपोर्ट में है कितने स्टूडेंट, उसका हम लोग यहाँ पे लिखा, मतलब सबने साइन करके दिखाया था, अपना विरोध दर्ज कराया था इसके। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं और आगे सबको दिखाते हैं तुमको। और ये है गाइस केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, ठीक है, सामने से मैं दिखाता हूँ, ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट, हाँ सबसे ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट इस कैंपस का। ठीक है, और ये देखो सामने जो है जामिया स्टूडेंट यूनियन का, पहले जो स्टूडेंट यूनियन था उसका जो है ये ऑफिस था, यही ऑफिस था ना, हाँ ये ऑफिस था सब। अब ऐसे अब तालाबंदी हो गया हुआ है, यहाँ चुनाव होता नहीं है तो तालाबंदी लगा हुआ। ठीक है, तो गाइज ये देखो ये है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। ठीक है, ये और ये मिला करके दोनों बिल्डिंग जो है केमिस्ट्री का है, और हम लोग मेन कैंपस के इधर सामाजिक विज्ञान। तो गाइज ये है कॉमर्स बिल्डिंग, देखो ओल्ड कॉमर्स बिल्डिंग जो है इसी में है, ये है ओल्ड कॉमर्स बिल्डिंग जामिया का अंदर, और इसमें मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट भी है ये साथ में, और कॉमर्स डिपार्टमेंट भी है। और अब सोशल साइंस बिल्डिंग, अच्छा सोशल साइंस बिल्डिंग भी इसको कहते हैं, ओल्ड कॉमर्स बिल्डिंग भी कहते हैं, मतलब दोनों से इसको डोनेट करते हैं, और काफ़ी खूबसूरत है। और ये जामिया पुराने बिल्डिंग में से एक है, और इसके ये जो है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के जस्ट पीछे है, एकदम बिल्कुल पीछे की तरफ जो आओगे आप तो ये डिपार्टमेंट आपको मिल जाएगा। अभी हम लोग ओल्ड कॉमर्स बिल्डिंग के पास खड़े हैं। ठीक है यार, मैं जामिया जब आया था तब सबसे पहले जो क्लास हमारी हुई थी इसी बिल्डिंग में हुई थी, मतलब बैचलर की नॉर्मल जो है कॉमर्स बिल्डिंग में ही होती है। ठीक है, और एक और सामने बिल्डिंग है, उन दोनों मतलब यहीं पे होती है, जो बैचलर में बीए में लोग किसी भी में एडमिशन लो बीए में आप, तो यहीं पे होगी आपकी क्लासेस। तो गाइस एक बार और आपको दिखा दो सेंट्रल कैंटीन का नज़ारा, और इसके जस्ट सामने जो देखो ये है न्यू टीचिंग ब्लॉक। ठीक है, तो ये बिल्डिंग और ये कॉमर्स बिल्डिंग देखो दोनों आसपास में ही है, तो बैचलर में अगर आप एडमिशन लेते हैं जामिया में तो मतलब यहीं पे आपकी क्लासेस होगी, इसमें या इसमें, हमारी तो यही दोनों जगह हुई थी बैचलर की क्लासेस। और इसके जस्ट देखो इस बगल में ही देखो कंप्यूटर साइंस का है, ठीक है, और फिजिक्स डिपार्टमेंट है, तो दोनों मैं तुमको दिखा रहा हूँ अभी चल के। ये अहमद भाई का पुराना डिपार्टमेंट है, जब बैचलर ये कर रहे थे तो यहीं से, और मेरा जो पूरा मेरा डिपार्टमेंट जो है उस तरफ है, कैंपस बी में है जिसमें गेट नंबर 7 के अंदर। और यहाँ पे देखो ये है कॉमर्स डिपार्टमेंट, सॉरी फिजिक्स डिपार्टमेंट और कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का ये वाला बिल्डिंग है। ये जामिया की सब पुरानी बिल्डिंगों में से सब एक बिल्डिंग सब जो है यही सब है। ठीक है, देखो सामने दिखा दो, और वो जो है न्यू साइंस ब्लॉक बिल्डिंग है, इसमें भी क्लासेस होती है, जो साइंस जितने साइंस फील्ड से जो भी बच्चे होते हैं तो उनकी उसमें क्लासेस होती है सामने वाले में। तो गाइज अहमद भाई के एकदम सबसे पुराने जो क्लासेस है वहाँ पे हम लोग आ गए। और देखो ये पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है जामिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंगों में से एक है, तो मैं तुमको दूर से दिखाऊंगा कि पूरा प्रॉपर पूरा बिल्डिंग दिखाई देता है। ये पॉलिटेक्निक डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो मैं अंदर से चल के दिखाता हूँ तुमको। तो गाइज ये पॉलिटेक्निक पार्क का जो एंट्री गेट है, ठीक है, अभी एंट्री होते हैं और तुमको दिखाते हैं। देखो जो सामने जो बिल्डिंग दिख रही है ये है पॉलिटेक्निक बिल्डिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटेक्निक। ठीक है, ये जामिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंगों में से एक बिल्डिंग है। ठीक है, और अभी तो थोड़ा कम लोग दिखाई दे रहे हैं, तो इस पार्क में यार लोग भंडार, मतलब इतना भीड़ होती है इस पार्क में बच्चों के, सारे पॉलिटेक्निक वाले बच्चे यहीं पे रहते हैं। ठीक है, और ये सामने उनका डिपार्टमेंट है, इसमें मतलब तकरीबन सारे कोर्सेज होती हैं डिप्लोमा के, डिप्लोमा जो है 10th के बाद, सारे 12th के बाद भी लोग करते हैं कुछ लोग, और 10th पे भी करते हैं बहुत लोग। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, सब कुछ है इसी के अंदर है सब कुछ उनका, डिप्लोमा वाले को सब कुछ है। ठीक है, और ये जो सामने देखो ये है नैनो साइंस बिल्डिंग है। ठीक है, ये डिपार्टमेंट ऑफ नैनो साइंस, सेंटर ऑफ नैनो साइंस, देख रहे हो दिखाई दे रहा हो आप लोगों को, तो ये है। और इसके जस्ट बगल में देखो ये जो है, ये है आपको दस्तरखान कैंटीन, सुना होगा आपने नाम, बहुत बार न्यूज़ में भी आया हुआ है। ठीक है, इसका खासियत ये है इस कैंटीन का यार, क्योंकि इसमें जो भी महिलाएं हैं लेडीज़ ही इस कैंटीन को चलाती हैं, मतलब अगर जामिया में सबसे अगर घर का खाना तुमको खाना है तो इस कैंटीन में आओ, और यहाँ पे तुमको वो घर का खाना प्रॉपर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारे लेडीज़ ही बनाती हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है,
तो हम और आगे भी चलते हैं। और ये जो है कॉमर्स बिल्डिंग का बैक है, ठीक है, ये कॉमर्स बिल्डिंग है, ठीक है। और इधर जो सामने देखो, ये एक इमेज फिजिक्स वाला है और उधर साइंस ब्लॉक है सामने, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं और आगे भी बताऊंगा और बातें करते हैं, ठीक है। आज मैं जामिया जो मेन कैंपस है उसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, फिर आगे और मास कम्युनिकेशन भी करूँगा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी कर दूँगा, ठीक है। गाइज एक बात बता दूँ, अगर तुम जब जामिया सही से फिर ओपन हो जाए तो जो लोग बाहर के हैं एक बार अगर दस्तरखान कैंटीन आए, मतलब जामिया आए तो दस्तरखान कैंटीन ज़रूर आए। और यहाँ और थाली यहाँ का बहुत अच्छा मिलता है। अहमद भाई पूरा 5 साल यहीं से खाना खाए क्योंकि इनको हॉस्टल मिला नहीं था, हमें तो हॉस्टल मिल गया था। क्यों अहमद भाई? गाइज अगर आप इधर सेंट्रल कैंटीन से आएंगे, अभी तो मैं उधर पीछे से दिखा रहा था, ठीक है, तो ये कॉमर्स बिल्डिंग आएगा, फिर ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, और इसके जस्ट सामने जो है देखो ये है सेंट्रल लाइब्रेरी, जाकिर हुसैन लाइब्रेरी के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। और इसमें मतलब तुम यार बुक्स लेना है बुक्स लो, पढ़ना है पढ़ो, मतलब बहुत बड़ा लाइब्रेरी है यार ये, ठीक है, मल्टी, हाँ बहुत कुछ है, ठीक है। और ये है, ये देखो जाकिर हुसैन क्या उन्होंने कहा था, इनमें उनका मैसेज है, जाकिर हुसैन का मैसेज है ये, ठीक है। और उसके जस्ट सामने जो है लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी, उन्हीं के नाम पे ये लाइब्रेरी बनाया गया है। इसमें रिसर्च से लेकर हर चीज़ मिलेगा तुमको, पेरियोडिकल्स, मतलब अगर न्यूज़पेपर कोई मैगजीन पढ़ना है सब कुछ इसमें तुम पढ़ सकते हो। ये मतलब पूरा पैकेज है, ठीक है, जामिया का, कि तुम जो बुक्स पढ़ना है पढ़ो, मैगजीन पढ़ना मैगजीन पढ़ो, अगर कंप्यूटर सर्व करना है वो भी कर सकते हो तुम, अपने सब सिस्टम लगे हुए हैं, ठीक है। और उधर में रीडिंग हॉल है इसका सामने, जो फ़िलहाल बंद है, ठीक है, और अजान हो रही है मस्जिद में, फिर उसके बाद बात करते हैं। तो गाइज अब फाइनली फिर हम वहीं पे आ गए हुए हैं गालिब चाचा के पास, जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे पहुँचे, क्योंकि यहाँ अलग तुमको और भी डिपार्टमेंट दिखाना है, इस वजह से हमें फिर यहाँ पे आने लगा। और ओल्ड लाइब्रेरी की तरफ, मकसद ये है कि ओल्ड लाइब्रेरी को भी दिखा दे, जो जामिया का सबसे पुराना लाइब्रेरी है। तो गाइज़ ये ज्योग्राफी डिपार्टमेंट है, ठीक है, जैसा कि तुम देख रहे हो ऊपर लिखा भी है और डिजिटलाइज भी है, ठीक है, टेम्परेचर भी दिखा रहा है, सब कुछ दिखा रहा है। और इसी के अंदर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट भी काफ़ी बड़ा बना दिया, वो उधर भी है, इधर भी ग्राउंड फ्लोर पर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट बना रखा है। और ये है ओल्ड लाइब्रेरी हमारा, ठीक है, रीडिंग हॉल भी है इसमें, सब कुछ है, कंप्लीट पैकेज है, सामने से तुमको दिखाते हैं। गाइस फाइनली जो देखो हम जो है आ गए हुए हैं तुम्हारा, ये ओल्ड लाइब्रेरी है उसके सामने, ठीक है। तो गाइस यहाँ की यादें जो जामियंस जितने हैं उनकी यादें यहाँ की सबसे बेहतरीन यादों में से एक होती है, क्योंकि यार ये जो है ना, ये लाइब्रेरी जो 2 बजे रात तक खुली रहती है, ठीक है। और यहाँ जो पीछे देख रहे हो गेट, यहाँ पे आबिद साहब चाय बेचते रहते हैं अपना, और लोग चाय पीते हैं और अंदर पढ़ाई करते रहते हैं, ठीक है, काफ़ी शोर शराबा आ रही है, ठीक है। और अहमद भाई से हम बात करेंगे और अहमद भाई बताएंगे हमें थोड़ा अपना यहाँ की यादें जो है, खट्टी मीठी बहुत सारी बातें। जी अहमद भाई बताइए कुछ बात। दरअसल ये है जो जामिया में जो सबसे अच्छी मुझे जगह लगी ये और लाइब्रेरी है, क्योंकि यहाँ मैंने ज़िंदगी का 5 साल गुजारा है और बहुत सारे IAS IPS जो जाते हैं यहीं से, मतलब यहीं तैयारी करते हैं बैठकर। तो ये जगह जामिया की वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है जहाँ से आप नॉलेज एक्वायर करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे जो है ना, ये ओल्ड लाइब्रेरी यहाँ 2 बजे तक खुली रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने जो सिविल सर्विस के प्रिपरेशन करने वाले बच्चे होते हैं, मतलब पढ़ने लिखने वाले जितने बच्चे हैं, सब आपको यहीं पे दिखाई दे देंगे, ठीक है, यहाँ पे तैयारी करते रहते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी जगह, और ये भी है कि रात के 2 बजे तक खुली रहती है, सबसे बड़ी बात है। और हाँ कुछ बताइए। ये लाइब्रेरी 2 बजे तक खुली रहती है, ठीक है। और यहाँ बाहर में चाय का भी इंतजाम रहता है, आबिद भाई चाय लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि छुट्टियों में भी ये लाइब्रेरी खुली रहती है, भले कॉलेज बंद हो जाए, बच्चे जब जो ही मतलब रहते हैं बटला हाउस में या शाहीनबाग में या जाकिर नगर में, जहाँ भी रहते हैं बच्चे तैयारी करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि ये यही मतलब जो है ऑल लाइब्रेरी बच्चे को फैसिलिटी देने से बंद नहीं करते हैं। जामिया तो क्लासेस ओवर हो जाती है लेकिन लाइब्रेरी खुली रहती है। हाँ तो गाइस कहने का मतलब ये है कि जामिया तुमको बंद हो जाएंगी लेकिन ये ओल्ड लाइब्रेरी खुली रहेगी, ठीक है, हमेशा। लेकिन लॉकडाउन की वजह से अभी फिलहाल बंद चल रहा है, नहीं तो ऐसे तो ये खुली ही रहती है, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं और आगे दिखाते हैं, यहाँ पे तुमको प्रेमचंद आर्काइव है,
प्रेमचंद जी की जो याद में पूरे यहाँ पे बनाया गया है उसको दिखाता हूँ तुमको। अभी बंद है यार, तो अंदर तो जा नहीं सकते हैं, लेकिन बाहर से दिखाऊंगा। तो गाइस देख लो, यहाँ जो दिख रहा होगा तुमको ये है प्रेमचंद आर्काइव, ठीक है। तुम रोड पे से ही जामिया के ये दिखाई देता है, ठीक है। अलबरूनी ब्लॉक इसको कहा जाता है, ठीक है। अभी तो अंदर रेस्टोरेंट के अलाउ नहीं है, लेकिन अंदर जब खुलेंगे तब मैं अंदर से भी जाके दिखा दूंगा तुमको। और ये पीछे जो है NSS का बिल्डिंग है, ठीक है। और इधर जो देख रहे हो ये, मैं मकसद ये है कि ये दिखा दूँ तुमको, और वो है ओल्ड लाइब्रेरी, ठीक है। तो ये दोनों अगल बगल में ही है। यहाँ प्रेमचंद जी के जो भी बुक्स हैं वो सब तुम यहाँ पढ़ सकते हो। इसके अंदर लिखा भी है प्रेमचंद अभिलेखागार एवं साहित्य केंद्र, ठीक है। तो ये है प्रेमचंद जी के याद में इसको बनाया गया, क्योंकि आपको पता ही होगा प्रेमचंद ने जामिया भी आए थे, और यहाँ पे भी उन्होंने जो कफन जो कहानी है उन्होंने यहीं पे लिखी थी, ठीक है। तो बहुत सही मतलब बनाया गया, उनकी याद में इसको बनाया गया है, ठीक है। अंदर में पोस्टर्स बहुत सारे लगे हुए हैं, बैनर लगे हुए हैं, और बुक्स की तो बात ही छोड़ो, सारे बुक्स यहाँ पे तुमको अवेलेबल मिलेंगे। और ये जो है मैसेज है, ठीक है। तो आगे मैं तुमको दिखा देता हूँ, वहाँ पे हिंदी में और इंग्लिश में लिखी हुई है, तो काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। गाइस ये देखो, यहाँ से तुमको दिख रहा होगा एकदम साफ साफ, बहुत अच्छे में से दिख रहा होगा, ठीक है। रीडिंग हॉल है, ओल्ड बिल्डिंग है, ठीक है। वो प्रेमचंद आर्काइव है, ठीक है। यहाँ से दिखा दूँ तुमको, ये जो है देखो मेन गेट ये है। यहाँ से जब आते हैं अंदर की तरफ तो ऐसे राइट हैंड में, मतलब जैसे आप एंट्री करोगे तो राइट हैंड साइड में ये वाली बिल्डिंग है तुमको, ओल्ड लाइब्रेरी जो है, और वो प्रेमचंद आर्काइव। और ये दिल्ली के जामिया मिलिया की रिपोर्ट जो दिखा दे रहा हूँ, प्रेमचंद ने जो मुंशी प्रेमचंद ने नवंबर में जो लिखा था, क्या लिखा था जामिया के बारे में, वो आप देख सकते हो। यहाँ लिखा हुआ है दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया उन मुस्लिम संस्थाओं में से है जिसने राष्ट्र के सम्मुख सच्ची सेवा का आदर्श रखा है। पहले ये जामिया विद्यापीठ स्वर्गीय हकीम अजमल खां के सहयोग से अलीगढ़ में स्थापित हुई थी, पर 1922 के असहयोग आंदोलन के बाद जनता ने निरुत्साह से उसे धक्का पहुंचाया और उसे अलीगढ़ से उठाकर दिल्ली ले जाना पड़ा। वहां कुछ स्थानीय संस्थाओं और कुछ रियासतों और अधिकतर जनता के सहयोग से वो अपना काम करती रही, पर इस बार आंदोलन शुरू होने के बाद रियासतों से मिलने वाली इमदाद बंद हो गई और उसे केवल जनता की सहायता और अपने कर्मचारियों के सहयोग और त्याग का आश्रय रह गया। इस परिस्थिति में भी अध्यापकगणों ने इतनी लगन और उत्साह से काम किया कि बहुत थोड़े से गुजारे पर रहकर भी बराबर सेवा कार्य में लगे रहे। इनमें सभी इतने सुयोग्य है कि उनके लिए किसी संस्था में स्थान मिल सकता था, पर उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया का दामन ना छोड़ा और हर तरह का कष्ट उठाते हुए प्रशांत मुख और अदम्य उत्साह से अपने काम में लगे हुए हैं। इन सब कठिनाइयों के होते हुए भी उसके आसपास अपनी कई इमारतें हैं, पुस्तकालय हैं और प्रकाशन विभाग है। अब जामिया ने दिल्ली से 7 मील पर ओखला में 250 एकड़ जमीन भी प्राप्त कर ली है, जहां विद्यालय की निजी इमारतें बनेंगी। यह है मिशनरी संलग्नता से काम करने की विभूति। मुसलमानों में सरकार का मुंह ताकने की जो एक प्रवृत्ति है उसका यह नाम भी नहीं, यह आत्मविश्वास स्वावलंबन और राष्ट्र प्रेम की जीती जागती मिसाल है। तो गाइस ये प्रेमचंद की मैसेज है जामिया के लिए, उन्होंने मैसेज दिया था। तो काफ़ी फख्र महसूस होता है यार, जामिया हम लोग जामियन हैं तो इससे बहुत अच्छा लगता है। अब प्राउड मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मैं जामिया का, एक बार जो जामिया आ गया उसके तो सोच लो कि वो जामिया छोड़ ही नहीं सकता। अब सामने का देखो मेट्रो दिखा दो, अगर तुम मेट्रो से आते हो तो जामिया मिलिया इस्लामिया मेट्रो स्टेशन उतरोगे, ये तुमको पिंक मर्जेंटा लाइन है, ठीक है। तो तुम यहाँ भी आ सकते हो, मेट्रो की सुविधा भी हो चुकी है, फैसिलिटीज़ मेट्रो की भी शुरू हो चुकी है, तो तुम मेट्रो से भी आ सकते हो। तो यार ये मैसेज पढ़ के तो मुझे काफ़ी प्राउड फील हो रहा है, ठीक है, गर्व बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आगे मैं और दिखाता हूँ तुमको, ठीक है। तो गाइस ये देखो, ये है ओल्ड लाइब्रेरी के पीछे से मैं दिखा रहा हूँ ये बिल्डिंग है, और ये सामने जो है ज्योग्राफी डिपार्टमेंट वगैरह है। और अब हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं, बस मस्जिद वाले गेट से बाहर की तरफ हो जाएंगे, उधर निकल जाएंगे अब। तो गाइस ये मैं दिखा दूँ आपको, देखो ये है न्यू लाइब्रेरी जो है, जाकिर हुसैन लाइब्रेरी का ये नज़ारा देखो, कितना अच्छा बनाया हुआ है। इसके ऊपर में जो है वो है स्कॉलर, PhD स्कॉलर्स के लिए है, MPhil PhD वाले के लिए बैठने के लिए जगह है,
ठीक है, और इसके अंदर जो है रीडिंग हॉल बना हुआ, जो रात में 12 बजे तक ये रीडिंग हॉल खुला रहता है, फिर बच्चे उस तरफ चले जाते हैं, ओल्ड वाले में चले जाते हैं। ठीक है, ये न्यू रीडिंग हॉल है, मतलब इस पूरे लाइब्रेरी को अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो आगे की तरफ रीडिंग हॉल है, फिर पीछे लाइब्रेरी है, फिर कंप्यूटर का ऊपर बनाया हुआ फर्स्ट फ्लोर पे, और तमाम जितने बुक्स आपको चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे तुमको मिल जाएगा। काफ़ी बड़ा लाइब्रेरी है, जब खुलेगा ओपन होगा तो मैं ये सबका एक्सप्लोर करूँगा, अंदर जा जा के करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं बाहर से आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। और ये जेरोक्स पॉइंट है, अगर कुछ बुक्स वगैरह कॉपी करवाना है यहाँ से, ओरिजिनल कॉपी मिल रहा है तो यहाँ से फ़ोटो कॉपी करवा लो, और यहाँ से तुम आराम से अपना काम कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया है। और बाकी यार यहाँ पे अब इसको यहीं पे क्लोज़ कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मेन कैंपस में जो ज़रूरत, जो लगभग मैंने सब कुछ दिखा ही दिया आप लोगों को। ठीक है, मैं फाइनली जो है बाहर आ गया हूँ, देखो मस्जिद के सामने। ठीक है, और गाइस इस ब्लॉग में बस इतना ही। ठीक है, और इस क्योंकि अभी डिपार्टमेंट जब खुली नहीं है तो अंदर जाके मैंने दिखाया नहीं। बहुत शुक्रिया अहमद भाई, और हम दोनों साथ में घूम के एक्सप्लोर किए हैं। बाकी और भी कुछ दिखाना होगा तो मैं दिखा दूंगा जब ओपन होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक लिए बाय बाय।